और तमाम बिहार के मदरसों को, तमाम भारत के समाज सेक्रेटरी सदर को मैं इजाजत दे रहा हूँ कि अखबार में निकाल कर 3 साइज की जल्द भाग करके मेरे पास भेजिए, मैं जल्द अभिभोधन स्कीम के तहत सरकार 3 अच्छे हजार को फाल करने के लिए मैं प्रोपोजल भेजा हूँ कि 6 हजार में कोई साइंस नहीं पढ़ाएगा, 25 हजार दो। अब सरकार बन गई है, मैं बहुत दिल्ली जाऊंगा, परमिशन लाकर जो जो हमारे टीचर साइंस काम कर रहे हैं उनको पैसा दूंगा, नए बहाल के लाइएगा उसको सैलरी। और नीतीश कुमार जी आपके लिए, मदारिस के लिए, मुसलमानों के लिए कितना फिक्रमंद है आप नहीं महसूस कर रहे हैं। इस भाजपा राज्य सरकार में 1 तारीख को नीतीश कुमार ने एजुकेशन का रिव्यू मीटिंग बुलाया संवाद भवन में और मदारिस के बारे में भी आया, क्या हुआ क्या करना है। मैंने भी प्रपोजल बनाया और ये काम हो गए हैं, हमारा पेंशन, हमारा जीपीए और उन लोगों को जीआईएस प्लस 500 मदरसों को अपग्रेड करने का प्रपोजल भेजा, 500 मदरसों को अपग्रेड करने का भेजा और तमाम प्रोजेक्ट ने मंजूरी दे दिया कि आप अच्छे मदरसे अच्छे हैं, आप इमीडिएट उसको अपग्रेड कर दीजिए। बिहार सरकार ने हर पंचायत में हर स्कूल खोलने का एक फैसला किया, हमारा हर कम से कम अनुमंडल में बोलती लेवल का मदरसा होगा, हर 3 पंचायत पर फौकानिया का होगा और 1500 मदरसे स्थानीय है, 200 मदरसे फौकानिया है। उस रेशियो में तमाम मदरसों को जो इस पर मकान है, जमीन है, फॉर्म निकल रहा है, दरखास्त दीजिए, आपके घर में लाके मैं ले रहा हूँ। एफिलिएशन अब लोग कह रहे हैं कई मंदारी मदरसा बंद कर रहे हैं, नहीं, आप देखिएगा 500 मदरसों को बहुत जल्द अपग्रेड करूंगा, 500 मदरसों को अपग्रेड करूंगा और ऐसे जाली मदरसे जिसके मकान मकान नहीं उसको बंद और जो घूस जिसको फैलाएंगे उनके मदरसा को। इसीलिए ये कौन का मामला है, कई मंदारी का जहां बंद नहीं रहेंगे, कोई हमारे बाबा का विरास नहीं है, लेकिन इस दिन ये धर्म को बचा लीजिए, ये नेमत है कि सरकार के पैसे से हदीस कुरान पढ़ा है, नेमत है। आप लोगों ने मजाक समझ दस्तक बनाकर पैसा ले ले रहे हैं और मदरसा में बच्चा 10-5 लोग बच्चे पर बैठा है। मैंने 150 लोगों के है इस्लामी अदारे, हमारे इस्लामी शहर हैं, मौलवी को भाग गए, धारी चीज साफ कर दिया, हाँ पैंट पहन के और ये शर्ट पहन के चले जा रहे हैं, कुर्ता पैजामा और टोपी पहनना होगा अगर आदमी धारी को बता रहे धारी चलाने के लिए। आपने मैंने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ड्रेस कोड पे लिखा हुआ है कि हमारे मदरिस कुर्ता पैजामा और पैजामा ये उजला कुर्ता और टोपी पहनेंगे और इस्लामी शहर में रहेंगे, ये जुमला इस्लामी तसव्वुफ को बरकरार रखना है और जब दीनी अदारे नहीं कर सके तो आम आदमी क्या रख सकता है। या तो इस्लाम को बहाल करना तो बाहर बहुत नौकरियां हैं, ले लीजिए, अगर हमारे मौलवी पे आए हैं, हमारे आलिम को वजह पे आए हैं, आलिम बन के दिखाइए, भगत नहीं मैं तो क्या, जब आपके जेब में टोपी पहन सकता है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में, तो मौलवी टोपी पहनेगा तो क्या हो जाए, कौन सा क्या करता हो जाए। हम इस ड्रेस में है, अल्लाह का शुक्र है, मक्का में जाए, मदीना में जाए, बिहार में जाए, सब गुण के मिलता है, इस स्टेट का जो है बिहार विधानसभा का जब अध्यक्ष गले मिलता है मोटरसाइकिल गाड़ी तक जाए, जान रहा है कि चेयरमैन ने करप्शन कर रखी है, आइए बोल भी मजाक उड़ा रहा है, अरे ईमान का जायजा मत लो, अगर बात रहे हो किसी मौलवी का खुद किया तो बताओ, मैं अभी संभाली अभी निकल जाऊंगा, इसके होता कभी झूठ पर तोहमत लगाओ अल्लाह ताला तोहमत लगाने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा, जान लीजिए हम लोग अल्लाह वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, खेल तमाशा नहीं है, हम बोल रहा हूँ मेरे दिल में क्या अल्लाह जानता, किस नियत से आया अल्लाह जानता, इस धूप गर्मी में आ भी मैं भी मेरे तमाम सहूलत मौजूद है, लेकिन मैं अगर जिम्मेदारी नहीं निभाया तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा कि तुमको चेयर
हुक्मरानी हम नहीं कर रहे, मदद कर दीजिए कि आप रहिए पढ़ाइए, हम मिलजुल कर, हम लोग ईमान वाले हैं और हम भाई हैं, ये तफरीक नहीं है। और हर वक्त अच्छे लोग के लिए दरवाजा खुला है, जरा बुरे लोग के सब वो लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं, जो लोग गलत करके आते हैं हम कुछ रात उन लोगों पर बहुत सख्त हैं, लेकिन जो नेक लोग हैं वो हमारे साथ काबिल एहतराम, सब बुरे नहीं है, बहुत अच्छे उलमा हैं, नेक हैं, कभी मदरसे में नहीं गए कई मानी, लेकिन आपका दरवाजा खुला है, आप लोग के लिए कुर्सी के अंदर हमें देखता था, और हमारे रखते थे काम के लिए पैसा मिले थे काम के लिए, कुर्सी लगवाया हूँ आप लोगों के बाद में कूलर लगवाया हूँ, बिस्किट चाय का डस्ट किया हूँ, हमारे वाले वहाँ आते हैं बैठिए, आपका एहतराम है, अभी कोई से वोट है, अगर आप नहीं रहे हमारे बच्चे नहीं रहे वोट कहाँ रहेगा, चेयरमैन कहाँ रहे, आपकी खिदमत के लिए हम लोग हैं, हम हाजिर नहीं, इसलिए हम सब मिलकर एक अच्छा माहौल बनाए, चेयरमैन और हमारे साथ के बीच कर्टन का पर्दा तो हटा ले, आप जाकर दो दिन चार दिन बैठते थे चेयरमैन के लिए और आप ठीक पे चेयरमैन रात क्या किया हुआ है, आपके खाने का नंद क्या हूँ, आपके एहतराम में नंद हम बुलाया हूँ, अररिया में भी 500 लोग आए सब का खाने का नंद, जिस जिला में भी करूँगा तमाम असादे के लिए खाने पीने का नंद रहेगा, वो हमारे मकरम है, हमारा उलमा है, और जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने कहा दिया 1400 साल वाले अल्लाह रसूल, मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा मुझे बेलना होगी, जान लीजिए आप काबिल एहतराम है, अपने को काम को पहचानिए, आवाम में जो बदमाशी है बहुत बड़ी सी बात कही थी, हमारे उलमा आवाम का एतमाद खोदिए, एतमाद बहाल कीजिए ताकि बच्चे आ जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो सुन्नत है जो दीन है मदारिस किले हैं उसको बचा ले, हम मिलजुल कर काम करें, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वो दिन बिखरे हुए तारों से क्या बात नहीं। और एक और शेर है, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां और, दोनों के लिए शाही और करगस दोनों क्रिया होते हैं, लेकिन 2000 किलोमीटर से गिर्द मुर्दे की तरफ उतर जाता है और शाही पहाड़ों पर ही रोजी अफ्रीका जमीन पर नहीं रखता, आप शाही बनिए और अपने मुकाम को पहचानिए, अल्लाह के आप इस नायब है इस दुनिया में, आप नायब बन के दिखा दीजिए, अल्लाह वाला जो होगा दुनिया में कोई दलील नहीं कर सकता है, कोई दुश्मन नहीं कर सकता है, अल्लाह के सुन्नत पर होगा वो मखलूक हाल नहीं हो सकता है, ये तमाम दिनों में बहाल करना है, बिल्कुल आगे जाना है।